हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइज। दोस्तों आज मैं आपके लिए बॉक्स लेके आया हूँ, जो अपना माई बॉक्स है, इन डिजिटल का बॉक्स है। दोस्तों मैं बार बार लेके आता रहता हूँ ये बॉक्स, क्योंकि ये बॉक्स अभी बहुत ही कम दोस्तों और बहुत ही कम लोगों ने बनाना चालू किया है, क्योंकि ये बंद होने वाला बॉक्स है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये पावर का प्रॉब्लम है। तो पहले मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये 5 मिनट 10 मिनट चलेगा तो ये बंद चालू होना शुरू हो जाता है। दोस्तों दोस्तों क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट चलेगा और बंद होएगा। तो मैं आपको एक इसका सिग्नल के बारे में दिखा देता हूँ। जैसे ये सिग्नल इसका भी प्रॉपर है, बट ये 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद है दोस्तों बंद हो जाता है। तो आइए हम पहले खोलेंगे बॉक्स को। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसके वोल्टेज के बारे में, जो पावर सप्लाई से निकलता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो पहला है, यहाँ पे 3.3 निकलता है, और सेकंड ग्राउंड हो गया दोस्तों, थर्ड हो गया 5 वोल्ट का हो गया दोस्तों, 6 वोल्ट। और ये जो थर्ड होता है इसका दोस्तों, ये है हमारा 12 वोल्ट तक निकलेगा। ये देखिए 12 से 13 वोल्ट, मतलब इसका दोस्तों बस ये इतने का ही काम करता है वोल्टेज निकालना, और जो भी यहाँ पे है कन्वर्ट करता है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे रीसेट हो गया, यहाँ पे देखिए 3.3 आउटपुट भी दोस्तों 3.3 ही निकलेगा, देखिए। ओके, और अभी जो हमारा यहाँ पे है एक रेगुलेटर लगाया हुआ है, जो 13 वोल्ट से ये 5 वोल्ट कन्वर्ट करता है। जैसे देखिए ये देखिए, छः वोल्ट निकल रहा है दोस्तों, यहाँ 5 वोल्ट निकलना चाहिए, ये देखिए 5 वोल्ट निकल रहा है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया वोल्टेज के मामले, इसमें ज़्यादा वोल्टेज दोस्तों नहीं रहता, और सब ये जितने भी है सब कैपेसिटर है। तो जो इसका प्रॉब्लम है ये पावर सप्लाई से, तो हम पावर सप्लाई को खोलेंगे पहले और चेक करेंगे पावर प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। जैसे कि दोस्तों हम आपको बता देते हैं, पावर सप्लाई में पहला जो हमारा होता है दोस्तों, ये होता है हमारा IC, और ये कैपेसिटर, और यहाँ पे 2 कैपेसिटर जो महत्व है, मतलब इतने ही ज़्यादा हमारा महत्व। तो प्रॉब्लम ये होता है, देखिए ये दोस्तों, ये हमारा जो कैपेसिटर है ये ख़राब हो रहा है, ये कैपेसिटर ख़राब हो रहा है। तो पहले हम इसको निकाल देंगे, ये कैपेसिटर के वजह से दोस्तों ये हमारा बॉक्स बंद चालू होता है। इसका नंबर है 33 450 वोल्ट में है, 33 UF में। आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसा कि देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 450 V में 33 UF, इधर भी देख लीजिए 33 UF। तो दोस्तों ये देखिए हमारा एक ख़राब हो गया था, तो हम जाएंगे नया लेंगे। दोस्तों देखिए हमने एक नया निकाला, जो मेरे पास 33 450 ना होके 47 450, ये भी दोस्तों चलता है। आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, थोड़ा इससे कम भी लगा सकते हैं, तो भी चलेगा दोस्तों। तो अभी ये हमारा माइनस हो गया, और ये जो होता है ये प्लस होता है, और ये जो लाइनिंग होता है ये माइनस, और ये साइड का प्लस। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहले अच्छे से इसको लगा देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे से सोल्डरिंग हो गया, और जो इसका वेस्ट पॉस है, पार्ट है, वो हम निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ तक का क्लियर हो गया। दोस्तों क्या रहता है, कभी कभी यहाँ पे भी थोड़ा सोल्डरिंग का हो जाता है, तो इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर देने के दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया और हम फिर से लगाएंगे। अभी हम दोस्तों इसको चालू करेंगे फिर से। दोस्तों मैंने आपको दिखाया इसका ये एक पैर खराब होने की वजह से, देखिए ये खराब हो गया था, ये खराब होने की वजह से ये बंद चालू हो रहा था, और दोस्तों मैंने दूसरा कैपेसिटर लगा दिया और ये अच्छे से चालू हो गया। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहिए, कमेंट भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।